किचन्स रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ चिकन मसाला की रेसिपी। वैसे तो आपने चिकन को बहुत तरह से बनाए होंगे और खाए होंगे, पर जब आप इस तरह से यानी मेरे स्टाइल में चिकन को बनाओगे तो आप उंगलियाँ चाट के खाओगे और इसको बनाना भी बहुत आसान है। आप इसे छोटे छोटे पार्टियों में बनाकर भी इंजॉय कर सकते हो। यदि आपको मेरी चिकन मसाला की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और शेयर करना ना भूलें। चलिए चिकन मसाला बनाना शुरू करें। चिकन मसाला बनाने के लिए मैंने 1 kg चिकन ली हूँ। देखिए मैंने इसको धो करके अच्छे से साफ कर ली हूँ। अब मैं बड़े वाले चिकन को इस चाकू की सहायता से थोड़े थोड़े कट कर लूँगी। इस तरह करनी है। इससे मसाले अंदर में अच्छे से घुस जाते हैं। ये देखिए अब मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर दे दूंगी, 1 चम्मच मैं नमक दे दूंगी, 1 चम्मच मैं गार्लिक पेस्ट दे दूंगी, 1 चम्मच मैं जिंजर पेस्ट दे दूंगी, 1 चम्मच मैं काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर दे दूंगी। ये 1 चम्मच ही है। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से चिकन मसाला के कलर बहुत ही अच्छे आते हैं। यह ऑप्शनल है, यदि आपके पास काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर नहीं है तो आप नहीं दे सकते हैं। अब मैं आधा लेमन जूस दे दूंगी। यदि आपके पास विनेगर है तो आप विनेगर भी दे सकते हो, दही भी दे सकते हो। अब मैं इसके रस को निचोड़ के दे दूंगी। अब मैं इसको अच्छे से मिला लूंगी। नींबू देने से चिकन के स्मेल नहीं आते हैं, इसलिए नींबू आप जरूर दें। ये देखिए मैंने चिकन को अच्छे से मिला दी हूं। अब मैं इसको आधे घंटा तक ढक करके मैरिनेट करने रख दूंगी। ये देखिए मैं इसको आधे घंटा तक इसी तरह छोड़ दूंगी ताकि यह रेस्ट करे। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है तब तक मैं 1/2 kg प्याज और मैं 4 मीडियम साइज के टमाटर को काट के तैयार कर लेती हूँ। मैं इसे लंबे लंबे साइज में कट करूँगी। प्याज को मैंने काट ली, अब मैं टमाटर को छोटे छोटे टुकड़े में काट लूँगी। मैं प्याज और टमाटर को अच्छे से काट ली हूँ। देखिए मैं 1 kg चिकन ली हूँ इसलिए मैं 1/2 kg प्याज और 4 में टमाटर दी हूँ, क्योंकि चिकन के जो मसाले बनते हैं प्याज और टमाटर से ही अच्छे बनते हैं। अब मैं गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दी हूँ और मैं फ्लेम के स्विच को ऑन कर दी हूँ। ये कढ़ाई भी मेरी थोड़ी गर्म हो गई है। अब मैं इसमें 3 चम्मच सरसों तेल दे दूँगी। आप तेल थोड़ा कम भी दे सकते हो, क्योंकि 1 kg चिकन है इसलिए मैं 3 चम्मच सरसों ऑयल दी हूँ। अब मैं फोरन में 4 छोटी इलायची ली हूँ। इसके छिलके को मैं इस तरह खोल दी हूँ ताकि इसका फ्लेवर चिकन में अच्छे से मिल सके। 1 बड़ी इलायची ली हूँ, इसके भी छिलके को मैं खोल दी हूँ। 4 मैं लौंग ली हूँ, 4 टुकड़े मैं दालचीनी ली हूँ, 4 सूखी लाल मिर्च ली हूँ, 4 मैं तेजपत्ते ली हूँ, थोड़ी सी मैं जीरा ली हूँ। ये ऑयल भी गर्म हो गई है। अब मैं इस फोरन को दे दूँगी। इसको मैं थोड़े से फ्राई करूंगी, भूनूंगी। ये देखिए भुना गए। अब मैं इसमें कटी हुई प्याज को दे दूंगी। मैं कटी हुई सारी प्याज को दे दी। अब मैं टमाटर को थोड़े बाद में दूंगी। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पर थोड़े से भून लूंगी। आप प्याज को जब भी फ्राई करें लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें, इससे प्याज थोड़े गल भी जाएंगे और प्याज फ्राई भी हो जाएंगे। ये देखिए भूनते हुए लगभग 7 मिनट हो गए। मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनी। ये देखिए थोड़े ये गल भी गए हैं और ये फ्राई भी हो गए हैं, ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब मैं इसमें टमाटर दे दूंगी। मैंने इसमें सारे कटे हुए टमाटर दे दिए। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक दे दूंगी। करीब मैं इसको 10 मिनट तक और लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनते हुए पकाऊंगी ताकि ये टमाटर और प्याज ये गल जाए और भुना भी जाए। अब मैं इसे ढक दूंगी और 10 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको ढकते हुए चलाते हुए पकाऊंगी ताकि ये प्याज और टमाटर थोड़े गल जाए और पक जाए। ये देखिए भूनते हुए पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो गए।
मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाई। ये देखिए प्याज और टमाटर पक के तैयार हो गए और थोड़े गल भी गए। अब मैं इसमें एक चम्मच गार्लिक पेस्ट दे दूंगी, एक चम्मच में जिंजर पेस्ट दे दूंगी, एक चम्मच में हल्दी पाउडर दे दूंगी, एक चम्मच में धनिया पाउडर दे दूंगी, ये एक चम्मच है, एक चम्मच में जीरा पाउडर दे दूंगी, ये भी एक चम्मच के लगभग बराबर है, एक चम्मच में लाल मिर्च पाउडर दे दूंगी। आपको जितना तीखा पसंद हो आप उतना लाल मिर्च पाउडर दे सकते हो। अब मैं इसको चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक भूनूंगी। मसालों को भूनते हुए लगभग 5 मिनट हो गए। अब मैं मैरिनेट किए हुए चिकन को दे दूंगी। देखिए मैंने चिकन को कढ़ाई में दे दी। अब मैं मसालों को धो करके थोड़े पानी दे दूंगी। अब मैं इसे अच्छे से मिला लूंगी। मैं इसको अच्छे से मिला दी। अब मैं इसको ढक करके लो टू मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी ताकि चिकन आराम से पक जाए, और बीच बीच में मैं चलाती रहूंगी ताकि मसाला जले ना। लगभग इसको पकाते हुए 10 मिनट हो गए। आप इस समय नमक टेस्ट कर सकते हो। मैंने नमक टेस्ट की थी, इसमें नमक थोड़े कम है इसलिए मैं हाफ चम्मच और नमक दे दूंगी। अब मैं इसको अच्छे से मिला लूंगी। मैंने इसे अच्छे से मिला ली। अब मैं इसे 10 मिनट तक और लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। मैं इसको ढक दी। लगभग चिकन मसाला को पकाते हुए 20 से 22 मिनट हो गए। ये देखिए कितने सुंदर चिकन मसाला देखने में लग रहे हैं। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। ये पककर पूरी तरह से कंप्लीट रेडी हो गए हैं। देखिए इस तरह ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। प्लीज आप एक बार बना के जरूर ट्राई करें। बंगाल में इसको कोसा चिकन बोलते हैं। देखिए अब मैं इसमें एक चम्मच गरम मसाला दे दूंगी। इसको मैं अच्छे से मिला लूंगी। यदि आपको ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें पानी दे सकते हो। मैं मसाला चिकन बना रही हूँ इसलिए मैं पानी नहीं दूंगी। इस तरह के चिकन मसाले आप छोटे छोटे पार्टियों में बना करके एंजॉय कर सकते हो। अब मैं इसमें कटी हुई धनिया पत्ती को दे दूंगी। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। 4 कटी हुई हरी मिर्च को दे दूंगी। अब मैं इसको अच्छे से मिला लूंगी। अब मैं इसे ढक करके 2 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि जो धनिया पत्ता के फ्लेवर है, गरम मसाला का फ्लेवर है, चिकन में अच्छे से मिल सके। लगभग 2 मिनट हो गया मैं इसे लो फ्लेम पर पकाई। ये देखिए कितने सुंदर देखने में लग रहे हैं। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अब मैं फ्लेम के स्विच को ऑफ करूंगी और मैं चिकन मसाले को प्लेट में सर्व करूंगी। ये देखिए मैंने इसे एक प्लेट में निकाल दी हूँ। ये देखिए चिकन मसाला देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इसे रोटी चावल पूरी पराठे के साथ खा सकते हो। आप इसे पार्टी में भी बना करके एंजॉय कर सकते हो। यदि आपको चिकन मसाला की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको चिकन मसाला की रेसिपी कैसी लगी। जी धन्यवाद।